सूरत के पलसाना तहसील स्थित दिव्यम इंडस्ट्रीज ऑफ साइकाइट्रिक द्वारा व्यसन मुक्ति के लिए हो रहा है काफी सराहनीय योगदान। जाहिर जीवन में व्यसन यह अतिशय गंभीर विषय बनता जा रहा है, जिसके लिए सरकार तथा अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं तथा एनजीओ अपना योगदान प्रदान कर समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें सूरत जिले के पलसाना तहसील स्थित में दिव्यम इंडस्ट्रीज ऑफ साइकाइट्रिक यह भी एक संस्था है। यहाँ अलग अलग व्यसन से पीड़ित मरीजों को लाकर उन्हें व्यसन से मुक्ति दिलाने हेतु काफी सराहनीय कार्य किए जाते हैं, जिसमें उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक सुविधा वातावरण निर्माण करके उन्हें तंदुरुस्त बनाया जाता है और उन्हें व्यसन के मुक्ति दिलाकर भविष्य में देश का एकल भावी नागरिक भी बनाया जाता है। इस कार्य हेतु कई बार दिव्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्रिक को सम्मानित भी किया गया। दिव्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के साथ लगभग 15 साल से हूँ। मैं रिहैब साइकोलॉजिस्ट हूँ और हम लोग व्यसन मुक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं 15 साल से, और काफ़ी पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं। हम लोग यहाँ पे रूटीन में व्यसन छुड़ाने के लिए जो जो एक्टिविटी करते हो, सुबह से लेकर शाम तक की हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें उनको योगा करवाना, फिर एक्सरसाइज करवाना, उनकी मीटिंग्स लेना ए के बेस पे मीटिंग लेके फिर उनको उस चीज़ के लिए तैयार करना, बाहर से ए के मेंबर्स को बुला के उनको ये दिखाना कि ये लोग अगर ए में रह के अच्छे हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, इस तरीके के लोगों को बुलाना, और जो लोग हमारे यहाँ से ठीक होके गए हैं उन लोगों को बुला के उनके इंटरव्यू करवाना, उनकी शेयरिंग करवाना इस चीज़ में काफ़ी फायदेमंद है, जिससे उनको काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यहाँ रह के हम जितना भी समझाएं उतना जो प्रभाव आने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से लोग आके अपने बारे में बताते कि मैं भी इस तरीके का था और आप जैसा ही था और मैं ठीक हो गया, अब मैं सोबर हूँ इतने सालों से, आप भी हो सकते हैं। कितने प्रकार के व्यसन होते हैं सर? व्यसन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली जो करते हैं दारू या गांजा, चरस, उन लोगों को हम लोग हैंडल करते हैं। हमारे यहाँ पे पेशेंट हैं ऐसे, और ऐसे कई लोग जो यहाँ से जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया है वो लोग ठीक होके गए हैं और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हर साल कितने पेशेंट्स आते हैं यहाँ? लगभग हमारे पास 100 के आसपास एक साल में हमारे पास पेशेंट आते हैं, 100 से ऊपर ही होंगे। महीने में लगभग हमारे पास 8-10 पेशेंट रहते हैं जो टर्न बाय टर्न रहते हैं, और उनको फिर हमारे यहाँ पे 60 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें 60 दिन में से 21 दिन हम लोग उनको ऐसे जो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको जब उनमें इंसाइट आती है तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, हमारे डॉक्टर्स के भी सेशन चलते हैं, तो उनको फिजिकल जो उनको लॉस होता है या जो मेंटली लॉस होता है उसके लिए मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ, और भी हमारे पास काउंसलर हैं जो उनको काउंसलिंग करते हैं। कितने प्रतिशत लोगों ने व्यसन छोड़ा है ऐसा आपको लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? परसेंटेज में इसमें क्या होता है कि परसेंटेज कहना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों में इतना जल्दी इनसाइट इतनी नहीं होती, और बाहर जाके यहाँ का वातावरण एकदम उनका वो होता है कि यहाँ पे उनको कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन बाहर जाने के बाद उनको वही दोस्त, वो सब चीज़ें मिलती हैं, रिलैप्स आ सकता है, लेकिन फिर भी वो क्योर होते हैं। एक दो बार उसको रिलैप्स आता है, लेकिन वो बार बार उनको हम लोग उनके साथ 6 महीने तक टच में रहते हैं, उनको फ्री में काउंसलिंग करते हैं, फ्री में मेडिसिन देते हैं और उसके साथ रहते हैं, जिससे उसको एक मोटिवेशन रहता है और वो मीटिंग में खुद आके भी शेयर करते हैं। आपके संस्था की ओर से व्यसन करने वाले लोगों के लिए, आप सुधरने के लिए या फिर अच्छा होने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि जब तक वो व्यसन में होते हैं तब तक कुछ नहीं समझते, और जब व्यसन में से बाहर आते हैं तब उन्होंने थोड़ी इंसाइट आती है, और तब हम लोग उनको मोल्ड कर सके तो काफ़ी कुछ अच्छे काम कर सकते। दिव्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्रिस्ट, तालुको पलसाणा, डिस्ट्रिक्ट सूरत। शेना माटे तमने अहीं लावामां आव्युं? एक्चुअली मने व्यसन हतुं दारूनुं, अने छेल्ले छेल्ले तो हूँ डेली दारू
સાંજના 5 વાગ્યા પછી ના મળે તો મારી કન્ડિશન એકદમ લથડરી ને એમ બેચેની અનુભવતો, માનસિકતાથી ત્રાસી જતો કે મને જોઈએ એટલે જોઈએ જ, અને અમુક સમય એમ નહીં મળે તો વાંધો નહીં, પણ ત્યાર પછી મને બહુ વધારે પડતી કે બેચેની વધારે વધી જતી દારૂ ના મળે તો. તો હમણાં તમારી કેવી, એટલે તમારી સ્થિતિ કેવી છે, કેવું લાગે છે તમને અત્યારે? હાલની દ્રષ્ટિએ હું પોતાની જાતે માનું છું તો 95% મેં એકદમ પરફેક્ટલી કરેક્ટ છું. મારી સ્થિતિ પણ એકદમ સારી છે, માનસિકતા પણ એકદમ ક્લિયર કટ છે, મારી મેમરી પાવરથી માનીને બધું ટોટલી સારું છે. કેવી રીતની અહીંયા સુવિધા મળી રહી છે તમને? સુવિધામાં આપશ્રીની વાત કરું તો અમારે કેવું છે, પહેલાં તો એક બે દિવસ તો ખ્યાલ ના આવ્યો, પછી અમે જ્યારે આ રૂટીન જોયું એમનું કે કઈ રીતનું એમનું આ ટોટલી આ પ્રોગ્રામ છે આખા દિવસનો, તો એ પ્રમાણે પછી અમે પણ અમારી રીતે પ્લાનિંગ કરતાં શીખી ગયા કે આપણે 12 કલાક કે 24 કલાકનું પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરવાનું. એમનું રૂટીન છે કે ભાઈ સવારે 6:30-7 વાગ્યા સુધીમાં તૈયાર થઈ જવાનું, ફ્રેશ થઈ જવાનું, 7:30 આપણે અમારો સિગ્નલ વાગે છે એ આપણે બ્રેકફાસ્ટનો હોય છે, બ્રેકફાસ્ટ પતાવ્યા પછી અમારે આવે છે કે બહાર ગાર્ડનિંગમાં થોડો સમય જે વિટામિન ડી મળે લોકોને તેના માટેનો છે, તે 1.5-2 કલાક કાઢી આવીએ છીએ. ત્યાર પછી અમે આવીએ છીએ આટલે પાછા જ્યાં અમે યોગા અથવા જેમને એક્સરસાઇઝ કરવી હોય તો એક્સરસાઇઝ બંને ચાલે છે, એ 1 કલાકનો દૂર ચાલે છે. ત્યાર પછી 11:15 પાછી અમારી રિહબ, એટલે મીન્સ કે દારૂ પ્રત્યેના બધા ચેપ્ટરને લોકોની જે કંઈ વાણી હશે એમના પોતાના જે અનુભવો તે બધું અમને 11:15 મિટિંગમાં જાણવામાં આવે છે કે અમે પણ પીતા હતા, પછી કઈ રીતે છોડ્યું, હવે કેવું લાગે છે, એ બધું અમને ડેઇલી મિટિંગમાં 11:15 થાય છે અને 1:30 વાગે થાય છે. ત્યાર પછી રૂટિનમાં અમારે પાછું આવે છે ચાનો સમય, વચ્ચે ઇન બિટવીન 12:30-1 વચ્ચે અમે જમવાનું હોય છે, અને 4 વાગે ટીનો સમય હોય છે. સાંજે પાછું અમારે ગાર્ડનમાં જવાનું હોય છે, 1.5 કલાક પછી પાછું અમારે એક્સરસાઇઝ કરવી હોય તો એક્સરસાઇઝ અથવા તો ગીત સાંભળવા હોય, કોઈ પણ ગેમ મતલબ ઇન્ડોર ગેમ બધી રમી શકીએ છીએ. સાંજે લગભગ 7:30 વાગે જમવાનું થઈ જાય છે, 7:30 અમે જમીએ છીએ, અને અમને આટલે ટીવીની પણ સુવિધા છે અમુકમાં, તો ટીવી પણ જોઈએ છે એટલે દિવસ પસાર થાય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ક્રાઇમ 7 ન્યૂઝ, સુરત.